Good morning, everyone. Today we are going to discuss the another test, that is the haloperidol test, which is used for the methyl ketone. Now, what is the methyl ketone? Any of the ketonic group which is containing the methyl group, that is called the methyl ketone. For example, if this is the group R CO CH3. आप देख सकते हैं एक मेथिल ग्रुप है और मेथिल ग्रुप अगर कीटोनिक ग्रुप के साथ लगा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड द मिथाइल कीटोन। लेकिन क्या सिर्फ कीटोन ही मिथाइल कीटोन की कैटेगरी में आते हैं या इसके अलावा भी कुछ मिथाइल कीटोन की कैटेगरी में आता है? तो इसके अलावा भी मिथाइल कीटोन की कैटेगरी में कई सारे कंपाउंड आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड्स, प्राइमरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल, ये सब के सब मिथाइल कीटोन की कैटेगरी में आते हैं इफ दे आर कंटेनिंग द मिथाइल ग्रुप। यानी कि ऑल दी कीटोन्स एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल विच इज कंटेनिंग द मिथाइल ग्रुप सच लाइक दिस वन विद देयर फंक्शनल ग्रुप दे आर कॉल्ड द मिथाइल कीटोन। दे ले इन द कैटेगरी ऑफ द मिथाइल कीटोन। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड CH3CHO ये कीटोन नहीं है, ये एक एल्डिहाइड है, लेकिन ये भी मिथाइल कीटोन की कैटेगरी में आएगा। या फिर कुछ ऐसा कंपाउंड CH3CHOH एंड CH3 मेथिल ग्रुप है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ये भी इस कैटेगरी में आएगा, और प्राइमरी एल्कोहल होगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल दिस वन CH3CH2OH, ये सारे के सारे हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। दैट मीन ऑल दोज ऑफ द कंपाउंड विच आर कंटेनिंग मेथिल ग्रुप विद देयर फंक्शनल ग्रुप आइदर दे आर कीटोन एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल दे ले इन द कैटेगरी ऑफ द मिथाइल कीटोन। Now, what is the haloperidol test? How will you proceed the haloperidol test? In the haloperidol test, again, the process is the oxidation. And as the product formed is a haloperidol, so that is called the haloperidol test. बहुत सारी जगहों पे haloperidol के जगह इसे iodoperidol test भी लिखा जाता है, क्योंकि bromoperidol और chloroperidol को avoid किया जाता है prepare जो करते हैं by product की तरह, या फिर कह सकते हैं जो identification के लिए compound बनता है haloperidol, उसमें हम chloroperidol और bromoperidol को avoid करते हैं। ब्रोमोफॉर्म बहुत रिएक्टिव होता है और क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोग जानते हैं दैट इज एनेस्थेटिक बाय द नेचर, और इस एनेस्थेटिक नेचर के होने की वजह से हम इसे बनाना अवॉइड करते हैं। तो हम नॉर्मली आयोडोफॉर्म ही बनाते हैं, इसलिए कुछ एक जगहों पे इसे हेलोफॉर्म टेस्ट की जगह आयोडोफॉर्म टेस्ट और कुछ एक जगह पे मिथाइल कीटोन टेस्ट भी लिखा रहता है, क्योंकि मिथाइल कीटोन की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेलोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट और मिथाइल कीटोन टेस्ट। So it is a methyl ketone, that is the acetone CH3COCH3. When it is treated with sodium hydroxide NaOH and I2, या फिर इनके combination को direct लिख सकते हैं sodium oxyiodide NaOI, जिसे आप IPO भी बोलते हैं। इससे जब हम treat करते हैं ये compound बनाता है CH3COONa और साथ में बनाता है CHI3। ये जो आयोडोफॉर्म है ये येलोइश कलर का होता है, येलोइश लिक्विड, और इसकी स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं होती, फाउल स्मेल। अगर ऐसा ही आप इस कंपाउंड के केस में देखते हैं, फॉर एग्जांपल CH3CHO एंड एल्डिहाइड एथेनल, इसे भी अगर आप ट्रीट करते हैं सेम स्पीसीज से सोडियम ऑक्सो आयोडाइड मैंने लिख रखा है, ये भी क्या बनाएगा HCOONa plus CHI3, एंड दिस येलो कलर एंड फाउल स्मेल इज सजेस्टिंग दैट योर एल्डिहाइड और कीटोन ले इन द कैटेगरी ऑफ द मिथाइल कीटोन। दैट मींस दैट इज कंटेनिंग द मिथाइल सिस्टम विथ देयर फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज कॉल्ड द हेलोफॉर्म टेस्ट एंड दीज वेयर द थ्री मेजर टेस्ट। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक तरह का क्वेश्चन होता है डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स बाय यूजिंग द केमिकल इक्वेशंस, और उनमें सबसे ज्यादा जो डिस्टिंग्विशिंग आती है वो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से ही देखा जाता है, और उनमें भी अगर आप देखें तीन आते हैं तो तीन में से दो तो हेलोफॉर्म टेस्ट पे ही आते हैं, किसी भी कीटोन को कीटोन से सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, मिथाइल कीटोन है नॉन मिथाइल कीटोन है, एथेनल को मेथनल से डिस्टिंग्विश करने के लिए, या फिर ये यूज किया जा सकता है एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए।
लेकिन यहां पे जो हम गलतियां करते हैं इसके टेस्टिंग में, एक बार मैंने आपको लास्ट डे जब पढ़ा रहा था टॉलरेंस टेस्ट का मैंने बताया था, वहां पे बोर्ड में पूछा गया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एथेनोइक एसिड फ्रॉम मेथनोइक एसिड। अब जब आपने एथेनोइक एसिड लिखा तो आया CH3COOH फंक्शनल ग्रुप के साथ CH3 लगाया, और मेथनोइक एसिड में HCOOH, और फटाफट बच्चों ने क्या किया कि मिथाइल सिस्टम है, मिथाइल कीटोन टेस्ट कर दिया। तो पहली बात जान जाइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिथाइल कीटोन टेस्ट नहीं दे सकता, इस तरह का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉसिबल नहीं है, यानी एथेनोइक एसिड डज नॉट गिव हैलोफॉर्म टेस्ट। तो यहां पे कैसे टेस्ट करेंगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था द मेथनोइक एसिड गिव्स द टॉलरेंस टेस्ट, तो हम टॉलरेंस टेस्ट से उसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो कभी भी एथेनोइक और मेथनोइक एसिड का डिस्टिंग्विशिंग आता है तो उसमें हैलोफॉर्म टेस्ट हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी द एल्डोल कंडेंसेशन अलोंग विद द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां पे अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द अल्फा हाइड्रोजन, और अगर हम इस कंपाउंड को देखें ये है आपका CH3CH2CH2, देन दिस इज द फंक्शन ग्रुप, एंड नेक्स्ट टू द फंक्शन ग्रुप यानी इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है दे आर कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन, एंड ओनली दोज ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच हैव द अल्फा हाइड्रोजन कैन गिव द एल्डोल कंडीशन कैन गिव द रिएक्शन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन दे आर नॉट कैपेबल टू गिव एनी सच टाइप ऑफ रिएक्शन। सो वी आर गोइंग टू सी द एल्डोल कंडेंसेशन, एंड द कंडीशन फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब कौन कौन से कंपाउंड देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, क्या सिर्फ एल्डिहाइड देता है या कीटोन भी देता है या एल्कोहल वगैरह भी देते हैं, तो यहां पर एल्कोहल इस तरह के रिएक्शन को नहीं देते, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही इस तरह के रिएक्शन को दे सकते हैं, कंडीशन एक ही है देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इस तरह के रिएक्शन के होने के चांस भी नहीं है। सो इफ देयर इज अल्फा हाइड्रोजन इट विल गिव द एल्डोल कंडेंसेशन, एंड इफ देयर इज नो एनी अल्फा हाइड्रोजन इट इज नॉट कैपेबल टू गिव द एल्डोल कंडेंसेशन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोपेनॉल एंड वी आर सीइंग दैट हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, हाउ द कंडेंसेशन प्रोसीड्स। So we are taking the example of the propanol. This is CH3CH2CHO plus CH3CH2CHO in presence of NaOH. The condensation will take place. If you are considering first one as a compound first, second one as a compound second, then we will take the first compound as it is. And because of the condensation, the oxygen becomes single bond. अब ये क्या ऐसे ही रह जाएगा? Surely यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा जो यहाँ पे अप्रोच करेगा। अब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, यानी यहीं से अटैचमेंट भी होगा। तो हमने लिख दिया ये CH CHO और ये हो गया आपका CH3। दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका एल्डोल। अब ये एल्डोल क्यों है? ये देखिए, ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये है एल्कोहलिक ग्रुप। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप के पहले तीन लेटर्स को देखें तो एल्ड, और ये एल्कोहलिक ग्रुप के लास्ट के दो लेटर को देखें तो ऑल, तो ये है एल्ड ऑल, दैट इज द एल्डोल, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन रिएक्शन सिर्फ इतना लिख के काम चलता नहीं है, इसे हम फर्दर हीट करते हैं और हीट करने से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, और बीटा एलिमिनेशन कहां से होता है? फ्रॉम हायर डिग्री, फ्रॉम द बल्कियर मोस्ट एल्किल ग्रुप, देन दिस वन the bulkier most alkyl group, and so the beta elimination will take place from this side, and as a result it will form CH3CH2CH double bond CHO and CH3. So this is the compound pent system 2 methyl pent 2 in al, this is the aldol condensation. We are taking one more example for the aldol condensation. Actually, जब ज्यादा कार्बन के सिस्टम लेते हैं तो कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, कभी कभार आप ध्यान नहीं देते और इसकी वजह से एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, और नॉर्मली ये रिएक्शन या तो कन्वर्जन में आता है या तो आता है राइट डाउन द नेम रिएक्शन,
राइट डाउन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, राइट डाउन द एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन ही सिर्फ आपको लिखने के लिए आता है, सिर्फ लिख दिया कि राइट डाउन द एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप हमेशा एथनल का एग्जाम्पल लीजिए। वाई एथनल? क्योंकि एथनल सिर्फ दो कार्बन का सिस्टम है, एक तो छोटे सिस्टम का रिएक्शन कराना आसान होता है, दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ एक ही कार्बन है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है और वही इकलौता कार्बन ही है उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के अलावा, इस वजह से उसमें गलतियां होने के भी चांस कम हो जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी द एल्डोल कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ द एथेनल। सो वी आर टेकिंग एथेनल विथ डाइल्यूट NaOH। व्हाट विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, द सेम रिएक्शन विल प्रोसीड, द फर्स्ट कंपाउंड विल बी दिस वन, द अल्फा हाइड्रोजन विल अप्रोच हियर टू फॉर्म CH3CHOH एंड फ्रॉम द कार्बन कैरिंग अल्फा हाइड्रोजन इट विल अटैच टू द सिस्टम एंड इन दिस वे दिस इज द एल्डोल एंड अगेन व्हेन यू विल डीट इट यू विल फाइंड CH3CH, यहां से OH, यहां से H निकल गया, डबल बॉन्ड CH CHO एंड दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन फॉर द टू कार्बन सिस्टम। So this is the aldol condensation, one of the most important reaction for the exam point of view, for the board point of view. Not only for the board, even for the competitive exam, it is very important reaction. तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा इस reaction को। अब यहाँ पे हमने देखा aldol condensation और aldol condensation के reaction के लिए हमने condition क्या कहा? हमने कहा कि aldol condensation is possible only in the case when there is a presence of alpha hydrogen. बट इन केस इफ द अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल देन व्हाट, क्या रिएक्शन होगा? एल्डोल कंडेंसेशन श्योरली नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा था, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो क्या कुछ और रिएक्शन होगा या होगा ही नहीं? होगा रिएक्शन। और इन अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स नॉट कीटोन, इन अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स अंडरगो और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। सो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट रिएक्शन विच इज कैनिजारो रिएक्शन। नॉर्मली अगर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पूछता तो कैनिजारो जरूर पूछता है, तो यहाँ पे एल्डोल कैनिजारो एक साथ ही इनमें से कोई एक आता है कह सकते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन इन अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैंने कहा था अल्फा हाइड्रोजन क्या है, द हाइड्रोजन ऑन द नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप CHO और नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं। अगर नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है तो नेक्स्ट टू द कार्बन हाइड्रोजन होने का कोई चांस नहीं है, जब कार्बन होगा तभी तो उसके ऊपर हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे तो नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, साथ में एल्डिहाइड भी है। तो मैंने आपको कहा था when there is a absence of alpha hydrogen and the compound is aldehyde not ketone, in those of the cases the disproportionation takes place, that is called the Cannizzaro reaction. अब रीजेंट क्या होगा? रीजेंट भी सेम ही है, इवन मैंने यहाँ पे KOH लिखा हुआ है, बुक में KOH लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी लिख दिया। NaOH और KOH लगभग सेम ही रिएक्शन देते हैं, दोनों ही बेस हैं, दोनों ही अल्कली हैं, एक ही तरह की रिएक्टिविटी देते हैं, KOH की रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे डायल्यूट KOH यहाँ पे डाला तो क्या हुआ? डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल, एक कार्बन का एल्कोहल CH3OH, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया आपका HCOOH। लेकिन देखिए यहां पे एक बेस है, बनने वाला कंपाउंड एक एसिड है और एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, सो इट विल फॉर्म K। याद करने के लिए हम लोग कह देते हैं कि कुक बनता है, तो यहां पे ये है CH3OH एंड HCOOK, दैट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पे इस कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंडीशन क्या है? कंपाउंड एल्डिहाइड होना चाहिए। एल्डिहाइड ही क्यों? क्यों नहीं कीटोन? क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ये आपने ऑक्सीडेशन टॉपिक पढ़ते समय पढ़ा था, द इजी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड आर अवेलेबल बट द इजी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बो ketones are not available because in the case of the ketone the homolytic bond cleavage is needed which needs a heavy amount of energy, is wajah se ketones ka oxidation nahi hota aur jab oxidation nahi hoga to disproportionation bhi nahi hoga. Ek aur example dekhte hain, this is the benzaldehyde,
अब इस बेंजल्डिहाइड में देखिए, ये तो है फंक्शनल ग्रुप कार्बन। अगर आप ये फंक्शनल ग्रुप की तरह लिखना चाहें इस तरह से तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और ये है द कार्बन नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द अल्फा हाइड्रोजन। पिछली बार तो ऐसा कोई कार्बन था ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन मिलने का कोई चांस नहीं था, लेकिन इस बार है। और यहां पे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, यानी कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि क्या ये कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन कैरी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब इसके लिए हम बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। अब इस कार्बन के साथ देखिए, एक दो तीन चार, ये चार बॉन्ड बना रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में चार बॉन्ड बन रहे हैं। बचे कितनी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, यानी इसके पास कुछ और बचा नहीं, यानी इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। जितने बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं इसको माइनस कर दें 4 से, तो जितना बचता है वही होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन इज 0। एंड इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन ओनली इन दोज केसेस द कैनिजारो रिएक्शन विल टेक प्लेस, दैट मींस दिस कंपाउंड विल आल्सो गिव कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये भी कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा। अब यहां पे इसे हम ट्रीट करते थे KOH से, NaOH से ट्रीट करेंगे तो ये K के जगह Na आ जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। अब इसे ट्रीट किया तो इसका रिडक्शन हो गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजाइल एल्कोहल CH2OH, और साथ में क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो बन गया बेंजोइक एसिड। लेकिन बेंजोइक एसिड एक सॉल्ट बेस से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया आपका रिडक्शन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये बन गया आपका बेंजाइल एल्कोहल, और ये बन गया आपका पोटेशियम बेंजोएट। क्लियर? देन दिस इज कॉल्ड द कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Now we are seeing the usage of aldehydes. Normally, the aldehydes are used as a solvent. They can be used as a thinner. Paint में thinner की तरह use किए जाते हैं. Nail paint का base होते हैं. Nail paint में as a solvent use किए जाते हैं. Nail paint remover की तरह भी हमारे daily life में use होते हैं. Chemistry lab में जाते हैं तो reagent की तरह use होते हैं. या जितने भी organic compound है उनमें solvent की तरह use होते हैं. बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए भी इन्हें यूज किया जा सकता है। सो आप कह सकते हैं देयर आर सो मेनी यूजेज ऑफ द एल्डिहाइड एज वेल एज द कीटोन्स। वैसे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के बारे में कभी पूछा जाता नहीं है, इस वजह से उस पर उतना ज्यादा आप फोकस करने की जरूरत नहीं है, मेन आपको केमिकल रिएक्शन है। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन एल्डिहाइड एंड कीटोन अलग से आपको पढ़ना होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से पढ़ना होता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।